हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर ट्रॉलियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा तो ख़राब होती नहीं है मेरी ट्रॉलीज, बट वैसे थोड़े से दाग वगैरह लग जाते हैं ना, तो थोड़ा सा वो दिख ही जाता है इस ट्रॉलीज में। मतलब कलर जो सिलेक्ट किया है ना मैंने, थोड़े से भी दाग अगर लग जाते हैं ना तो उसमें जल्दी से दिख जाता है। इसी वजह से जल्दी जल्दी क्लीन करना पड़ता है। मतलब वैसे ऊपर से मैं 8 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद ऐसे क्लीन करती रहती हूँ, तो ये जो हैंडल है वो भी चमक जाता है और ट्रॉलीज भी चमक जाती है ऊपर ऊपर से। अंदर से नहीं निकालती हूँ, अंदर से 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद ऐसे निकालती हूँ। और यहाँ पर खाना बन गया था, तो खाना खाने में आज दिखाती हूँ मैं क्या क्या है आपको। तो खाने में है रायता बूंदी का, उसके बाद ये सलाद बनाया है उन्होंने, और भरता है भिंडी की सब्जी है, और सलाद तो यही बनाते हैं, और पापड़ है, उसके बाद यहाँ पर है फ्राइड राइस। रात के राइस बचे थे तो वो मैंने फ्राई कर लिए। उसके बाद दाल चावल है और सिंपल सा आज जो बनाया हुआ है वो। तो ये सब खाने में है। और ये 4 प्लेटें किसके लिए है आप सोच रहे होंगे, तो हम दोनों और माही और उसकी दादी चारों जने खाना खाएंगे। तो इसी वजह से, क्योंकि अभी तो 3 ही प्लेट रहते थे पहले, अभी माही की दादी मतलब मेरी सासू माँ आई है यहाँ पे, तो वो भी मतलब यहाँ पर ही रहेंगी अब वो। तो इसी वजह से ये 4 प्लेट्स लगाई हुई है, और बस हम लोग अभी खाना खा लेंगे। और प्लेट्स में क्या क्या है, प्लेट्स में माँ भी नहीं रहा था आज जो भी है, मतलब बस दाल को तड़का नहीं दिया था, दाल वैसे ही रहने दी थी, और बूंदी का रायता मीन्स बूंदी का मट्ठा था। तो ये है सब कुछ खाने में, और बस अभी लंच कर लूँगी और आप भी आ जाइए लंच करने, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और वो प्रोडक्ट है ये मामाअर्थ का जेंटल क्लींजिंग शैम्पू फॉर बेबीज। और आप सभी को पता है मैं अपने बच्चों के लिए मामाअर्थ के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, और मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि एक तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, और दूसरा कि वो केमिकल फ्री होते हैं इसी वजह से। और आपके बच्चों की स्किन इतनी ज्यादा नाजुक होती है कि उनके लिए केमिकल वाले जो अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो बहुत ज्यादा हार्म करते हैं वो आपके बच्चों की स्किन को। तो इसी वजह से जब भी आप अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट यूज करो तब आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करो। और ये जो मामाअर्थ के प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, और मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसी वजह से मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ अपने बच्चों के लिए वो मामाअर्थ के ही यूज करती हूँ। ये जो शैम्पू है वो टीयर फ्री शैम्पू है, मतलब इसको यूज करने के बाद आपके बच्चों के आंखों में आंसू नहीं आएंगे। उसके बाद ये विथ कोकोनट बेस्ड क्लींजर है, उसके साथ साथ ये सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और पीएच बैलेंस करता है, और इसमें आपको क्वांटिटी मिलती है 400 ml। इसमें एक छोटा पैक भी आता है, अगर आपको लेना है तो छोटा पैक भी आप ले सकते हो। मैंने इस बार ये बड़ा पैक मंगाया है, क्योंकि हमेशा मैं छोटा पैक मंगाती हूँ, और मुझे लगा इस बार बड़ा पैक मंगा के देखते हैं कितने दिन चलता है। और इसकी जो प्राइस है वो है 399 rupees, बट मेरा अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा इस प्रोडक्ट पे, आपको इतनी प्राइस पे नहीं करनी पड़ेगी इसकी। मेरा जो कूपन कोड है वो है Kanchan2021, अगर आप वो यूज करते हो तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है वो इजीली अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन पे एंड फर्स्ट क्राई पे, तो आप वहां से इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये इंडियन ब्रांड है, तो इसी वजह से वोकल फॉर लोकल, अभी की सिचुएशन ऐसी है कि इंडियन ब्रांड से हमें यूज करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो ब्रांड है मामाअर्थ वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, ये इनकी बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। ये प्रोडक्ट SLS एंड SLES फ्री भी है, और इस ब्रांड की एक खासियत है कि ये जो ब्रांड है वो इंडिया फर्स्ट मेडसेफ सर्टिफाइड ब्रांड है। इसी वजह से इतना बड़ा ब्रांड अगर आप अपने बच्चों के लिए यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको भी इसे परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, और मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा Kanchan2021। ये इन्होंने किट ऑर्डर की थी, पता नहीं अभी ये काम करेगी या नहीं। ये ना ग्लास जब टूट जाता है उसको रिपेयर करने के लिए, ये कैसे वर्क करती है मुझे नहीं पता, बट अभी ये करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या है। मतलब आपका अगर ग्लास वगैरह टूट जाता है तो आप कर सकते हो। वैसे अभी अभी कर रहे हो क्या? तो ये मतलब जो ग्लास है ना इसका गाड़ी का, मैं आपको दिखा दूंगी कि टूट गया है आगे का, तो इसी वजह से मतलब उस पर क्रैक आ गया है, झूमर गिर गया था, इसी वजह से वो ग्लास टूट गया है। वो पूरा बदलने से अच्छा है कि ये रिपेयर कर ले। मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है, आज ही आई ये किट, कितने की है? 550 की, 550 की किट है, बट इससे अभी होगा या नहीं वो नहीं पता, चलो करके देखते हैं। मैं अभी एक्साइटेड हूँ यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये वर्क करेगा, बट अभी देखते हैं। मैं तो इनको कब से बोल रही हूँ कि 550 गए अपने, बट देखते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से क्रैक है तो ऊपर तक, मतलब इतनी बड़ी क्रैक गिर गई है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पर ना झूमर गिर गया था इसके ऊपर, तो इसी वजह से छोटा सा क्रैक था, वो धूप की वजह से बड़ा होते गया तो यहाँ तक आ गया है। अभी कुछ दिनों के बाद शायद हमें ये ग्लास ही चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने जो किट लाई है ना, मतलब किट मंगाई थी इन्होंने अमेजोन से ही है, और मैंने इनको पहले ही, मतलब मुझे बताया ही नहीं इन्होंने कि ये किट मंगा रहे करके। जब ये घर पे आई तो मुझे लगा कि मेरा पार्सल नहीं है, इनका पार्सल है, इनका नाम लिखा था उस पर। तो मैंने बोला कि यार ये क्या चीज़ इन्होंने ऑर्डर की थी, तब मैंने इनको कॉल किया तो इन्होंने बोला कि मैंने गाड़ी के लिए कुछ चीज़ ऑर्डर की थी तो वो ले लो आप। तो इन्होंने ना कैश ऑन डिलीवरी रखी थी, तो मैंने ले ली। फिर जब मैंने लिया ना, तो फिर उसके बाद मैंने पूछा इनसे कि ये क्या है, तो फिर इन्होंने बोला कि ये ग्लास को रिपेयर करने के लिए है। तो मैं भी खुश हो गई थी, चलो यार ग्लास रिपेयर हो जाएगा, वो भी कम पैसे में, मतलब 550 की किट थी तो इसी वजह से। बट ये ग्लास को जब रिपेयर करने गए ना, तो ये इतने डिसअपॉइंटेड हुए कि आपको क्या बताऊँ। मतलब बिल्कुल चिपक नहीं रहा था ग्लास, और ये जो ग्लू है वो फेविक्विक जैसा है, वो ग्लू लगाना पड़ता है पहले, उसके बाद ये पट्टियाँ आती है उसमें ही, और वो ऊपर से चिपकानी पड़ती है। और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने बोला था कि ये निकाल देना और उसके बाद ग्लास आपका चिपक जाएगा। बट आपको बताऊँ, बिल्कुल ग्लास चिपका नहीं है, फालतू में 550 रुपये हमारे वेस्ट गए, मतलब धोखा ही हुआ ऐसा लग रहा है मुझे तो। और ये जो किट है, अभी एक बार खोलने के बाद तो रिटर्न भी नहीं होती है, आप चाहो यूज़ करो या चाहो फेंक दो, आप रिटर्न तो होगी नहीं, तो गए ना पानी में सारे पैसे। इनको मैंने पहले ही बोला था कि नहीं होगा यार, ऐसे कुछ होता नहीं है, बट ये ऐसे मान ही नहीं रहे थे। उनको लगा कि चलो इतने पैसे खर्च करने से अच्छा है यार घर पे हो सकता है 550 रुपये में, तो क्यों ना हम लोग घर पे ही वो काम कर ले। और इनको ना ऐसे चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब कुछ ना कुछ घर पे करते ही रहते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने ये किट ऑर्डर की और पूरे पैसे बर्बाद हो गए, मतलब पूरे पैसे पानी में चले गए। और मुझे इतना बुरा लग रहा था, सच बताओ 550 यार कम नहीं होता है, छोटी मोटी रकम नहीं है, एकदम से ऐसे चले गए हाथों से, वो भी 2 मिनट में, तो इतना बुरा लग रहा था मुझे, सच बताओ। तो इनको भी बुरा लग रहा था, बट उन्होंने ऑर्डर किए तो अभी कर क्या सकते हैं, मतलब अभी ऐसे ही फंस जाते हैं लोग। जो कैसा है कि कभी कभी रिव्यू ना लोग गलत भी दे देते हैं, इसी वजह से ना जिन्होंने भी ये रिव्यू दिया है इसका, उनके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो चीज़ अच्छी है सच में अच्छी बताओ, और जो नहीं है थोड़ा सा भी अगर उसमें कोई फॉल्ट दिखता है आपका तो वो फॉल्ट आप बता दो, ऐसा मतलब लोगों को फंसाओ मत। और यहाँ पर बन रहा है इनका पास्ता शाम को, ये थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे, तो इसी वजह से ये, मतलब क्योंकि काम नहीं हुआ ना यार, तो इनको लगा कि चलो यार घर वालों को खुश कर देते हैं, तो ये यहाँ पर बना रहे हैं पास्ता, क्योंकि भूख भी लगी थी थोड़ी सी। बट बीच बीच में बच्चे ना इनको परेशान करते हैं, मुझे नहीं परेशान करते, क्योंकि इनका कैसा है जैसे ही मुंह से बच्चे निकालते हैं ना कुछ भी, तो इनका तुरंत वो चीज़ उनको देना। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा तरसा होना बच्चों को तो बच्चे थोड़े से बिगड़ने से बचेंगे, लेकिन इनका वैसा नहीं है। इनका ऐसा है कि नहीं, जब जो चीज़ उन्हें चाहिए मुंह से निकलते ही उनको दे देनी चाहिए, तो मेरा वैसा नहीं है। और ये सारी मम्मियाँ ही समझ सकती है, मैं सारी मम्मियाँ ऐसी करती होंगी, थोड़ा सा बच्चों को तरसाओ तब जाके उनको वो चीज़, मतलब जो भी चीज़ हम लोग दे रहे हैं उन्हें उस चीज़ की वैल्यू हो। नहीं तो क्या है, जैसे अभी पास्ता मांगा तो तुरंत हम लोगों ने उनको दे दिया ना बना के, तो क्या रहता है कि वो थोड़ा सा खाएंगे, एक दो स्पून खाएंगे, उसके बाद वो ऐसे ही झूठा डाल देंगे, उनको वैल्यू नहीं रहेगी। जब उनको सच में भूख लगी हो तब जाके बना के दो तो ये रहेगा। और घर में अगर खाना हो तो ऐसे फालतू की चीज़ें अगर बना के दोगे आप तो वो नहीं रहता है, मतलब वैल्यू नहीं रहती उस चीज़ की। मेरा ऐसा है कि घर पे अगर दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ है और उसके बाद भी आप बना के मांग रहे हो तो मैं कभी नहीं देती हूँ, और जब कुछ है नहीं खाने के लिए तब अगर आप बना के मांग रहे हो तो मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, और शाम को अगर कुछ रहता नहीं है तब जाके बना के दे देती हूँ, ऐसे ही सब कुछ होने के बाद कभी नहीं बना के देती। बट इनका अलग ही है, और मुझे तो लगता है कि सारे ही जेंट्स ऐसे ही होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं और बच्चे जेंट्स के प्यार से ही अभी बिगड़ने लगे हैं। और जो लेडीज़ होती है उनको घर भी संभालना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, और उनको संस्कार भी देने होते हैं अच्छे, तो वो हमेशा ध्यान रखती है कि हमारे बच्चे बिगड़े ना और हमारे बच्चों को थोड़ा सा वैल्यू हो कुछ किसी भी चीज़ की, तो वो ऐसे कभी नहीं करती है। बट अभी के जेंट्स इतने ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, पहले वैसे नहीं था, पहले जेंट्स
बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते थे, तो इसी वजह से जो पापा का डर है वो हमारे अंदर भी है। मतलब जैसे कि हम भी हमारे पापा से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मेरे पापा बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और उनसे मैं हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, वैसे वो प्यार भी बहुत करते हैं, बट हम उनके प्यार दिखाने का तरीका इतना ज़्यादा अलग है कि हमें लगता है कि वो गुस्से से ही बात कर रहे हैं हमेशा। मतलब उनका आवाज़ ही वैसा है और ये सब कुछ, बट इनका नहीं है वैसा, उनका थोड़ा सा अलग ही है हमारे घर पे मैटर। आ बेटा, बना लिया क्या पापा ने? हाँ हो, मैं खाऊंगी। हम भी खाऊंगा। आप क्यों कॉपी करती हो? अद्वित, बहुत टेस्टी लग रहा है यार पास्ता पापा ने बनाया हुआ। हाँ बराबर है ना, और वैसे भी किसी ने बनाया होता तो अच्छा ही लगता है, खुद ने बनाया होता तो डिफरेंट लगता है, खुद ने बनाया होता तो टेस्टी नहीं लगता इतना। जो दूसरे खाते हैं मन नहीं करता। हाँ मन नहीं करता खुद खाने का। चलो उसमें चम्मच डाल बेटा। चलो 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 आजीला दे माही, एक डिश आजीला दे। बहुत रिश्ते भूख लगते बरोबर। अजू टेस्ट करून सांग बर मला, पहले टेस्ट करके बताओ। वेज पुलाव। अच्छा वेज पुलाव के लिए मैंने ये प्याज काट लिया है, उसके बाद ये आलू भी काट लिया है, और मैंने ना क्या किया, ये जो कुकर है इसमें थोड़ा सा पानी होगा आई थिंक, तो उसमें ही मैंने ऑयल डाल दिया, तो ये अभी जोर जोर से आवाज कर रहा है। और हाँ यहाँ पर बन रहा है ये वेज पुलाव। चलिए सब कुछ हो गया है और अभी बस सोने का मन कर रहा है यार, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आंखों से पता चल भी रहा होगा आपको तो। और कुत्ते इतने ज्यादा भौंक रहे हैं बाहर के, आपको क्या बताओ। और मैं अभी सोना चाहती हूँ बस, बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज, काम 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 काम। तो चलिए इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक कर देना, ताकि मेरे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और उसको ऑल पे क्लिक करना, पापा का फोन बज रहा है उस पर ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। और हाँ आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और दोनों चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। माझी अंगठी आहे ती।